हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टेक इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे वीडियो के अंदर आपको एक स्कूल बिल्डिंग का 3D व्यू बताने वाले हैं, जो हमने स्पेशली हमारे कुदरवाड़ी के क्लाइंट मिस्टर अलीमुद्दीन के लिए डिज़ाइन किया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको उसका जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है वो भी दिखाएंगे और इसका 3D एलिवेशन भी दिखाएंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है वो एक स्कूल का 3D एलिवेशन। इसमें हमने एक्सटर्नल वॉल को ब्राउन कलर दिया है और 10 फीट के हाइट पे 4 इंच का व्हाइट कलर का बेल्ट दिया हुआ है। हर विंडो के चारों तरफ से 4 इंच का पोर्शन 3 इंच बाहर निकाला हुआ है ताकि हमारे बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल व्यू अच्छा लगे। अब हम स्कूल की पार्किंग की ओर चलते हैं। बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग के लिए रखा हुआ है और स्टेयर के सामने स्कूल के लिए WC रखा हुआ है। अब हम फर्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे दोनों क्लासरूम के बीच में 6 फीट का एक पैसेज रखा हुआ है, ताकि ये पैसेज इसलिए रखा है कि फ्री मूवमेंट हो सके बच्चों का। और उसके बाद हर क्लासरूम का साइज 18x20 का है। हमने क्लास में बेंचेस दिखाए हुए हैं और ब्लैक बोर्ड भी दिखाया हुआ है। ब्लैक बोर्ड के सामने टीचर्स के खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। 6 इंच उस प्लेटफॉर्म को हमने ऊपर उठाया है ताकि टीचर्स उसके ऊपर से अपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं उन सब की विंडोज 6x4 फीट की है और पैसेज की विंडो 4x4 फीट की है। बाथरूम की विंडो 1.5x2 फीट की है। इसी तरह से हमारे ये बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने। हमारे इस स्कूल के ड्राइंग का फाइल ऑटोकैड के अंदर खोला है। इसके अंदर अभी ये जो हमारे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये इसका 2D फ्लोर प्लान है, जिसके अंदर क्लासरूम का साइजेस दिखाया हुआ है। 3 क्लासरूम प्रोवाइड किए हैं, एक साइंस लैब है और एक स्टाफ रूम, और ये स्टेयर दिखाया हुआ है। स्टेयर का साइड 3.5 फीट का है, लैंडिंग इसका 3.5 फीट का है, और यहाँ WC दिखाया हुआ है, 3 WC दिखाया हुआ है, और यह वॉश बेसिन वगैरह दिखाया हुआ है। उसके बाद ये पार्किंग फ्लोर है। ये पार्किंग फ्लोर के अंदर कॉलम का पोजीशन वगैरह दिखाया हुआ है। अब ये जो हमारे सामने है ये हमारे इस ड्राइंग का सेंटर लाइन प्लान है। इसके अंदर जो है हमने कॉलम की पोजीशन वगैरह दिखाई हुई है। इसका कॉलम का सेंटर लाइन जो डिस्टेंस रहता है वो इसके अंदर दिखाया हुआ है। अब उसके बाद हमारे इस ड्राइंग का फुटिंग का डिटेल्स, किस तरह से फुटिंग लेना है, बॉक्स फुटिंग हमने इसके अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करना है, जो हमारे फुटिंग की जाली है वो किस तरह से प्रोवाइड करना है वो इसके अंदर डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है उसकी नोट्स दी हुई है कि सिंगल रिंग किस तरह से होती है, डबल रिंग किस तरह से होती है, 2-way slab कौन सा है, 1-way slab कौन सा है, ये सब पूरा जो है इसके अंदर दिखाया हुआ है। ये 2-way slab है, ये 1-way slab है। उसके बाद ये हमारा जो प्लॉट है इसका जो है रोड साइड कौन सा है वो दिखाया हुआ है। अब उसके बाद इसका स्टील डिटेलिंग जो है वो इसके अंदर दिखा हुआ है। शेड्यूल ऑफ फुटिंग, फुटिंग के अंदर जो है फुटिंग का साइज़ कितना है, उसके जाली के बार कितने mm के है, कितने डिस्टेंस पे दिए हुए हैं, कॉलम का साइज़ दिया हुआ है, और जो स्टीरअप्स कितना प्रोवाइड किया हुआ है वो पूरा इसके अंदर डिटेल दिया हुआ है। और हमारे प्लिंथ बीम का जो डिटेल है वो इसके अंदर दिया हुआ है। और ये जो है टिपिकल लेआउट जो है दिया हुआ है बीम का, किस चीज़ को क्या कहते हैं, अब ये स्टीरअप्स किस तरह से प्रोवाइड करना है, कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करना है। अब ये टॉप बार है, उसके बाद ये कॉलम का स्टीरअप्स है, ये बीम का स्टीरअप्स है, कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया है, फिर ये एक्स्ट्रा टॉप बार है तो वो किधर प्रोवाइड करना है, ये पूरा जो है इसके अंदर डिटेलिंग दिया हुआ है। इसके बाद जो है स्टेयर का डिटेलिंग दिया हुआ है कि स्टेयर का राइजर कितना है, ट्रेड कितना है। उसके बाद जो हमारा स्लैब है, स्लैब की डिटेलिंग दिखाई हुई है कि कितने जो है बार प्रोवाइड करना है, कितने mm पे प्रोवाइड करना है। हमारा जो ड्राइंग एक्चुअल में फुट और इंचेस के अंदर है तो वो हिसाब से हमने इसके अंदर दिखाया हुआ है। उसकी नोट्स दिखाई हुई है कि मेन स्टील कितने mm पे प्रोवाइड करना है, कितने mm का बार प्रोवाइड करना है, कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करना है, वो सब जो है इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। और अगर आप हमारा वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे। अगर आपको
आपके बिल्डिंग का, आपके जो है ड्रीम हाउस का अगर प्लान बनाना है तो हम आपके लिए बना सकते हैं। इसका आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, जो अगर आपको सिंपली अगर आपके हाउस का सिर्फ प्लान बनाना है तो 3 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। अगर उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी उसके साथ में बनाना है तो आपको 7 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका रेंटल लगेगा। अगर आप तीनों अगर साथ में बनाना चाहते हैं, प्लान, उसका इलेवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग, तो 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट का उसका चार्जेस लगेगा। तो अगर आपको बनवाना है तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे उसका आपको डिटेल शेयर करना है कि आपके जो है प्लॉट का साइज क्या है, उसका नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, ये पूरा डिटेल आप हमको जो है शेयर कर सकते हैं, हम आपके लिए प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।